ग्लैमर लाइफ फिल्म्स एवं ITHM संस्थान डॉक्टर B.R. अंबेडकर विश्वविद्यालय की संयुक्त बैनर तले GTF 2022 फिल्म फेस्टिवल का चौथे वर्ष का आयोजन इस वर्ष भी होने जा रहा है। ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि पिछले वर्षों में काफ़ी चर्चाओं में रहा था और शहर को देश विदेश की फिल्मों का लाइव प्रोजेक्शन दिखाया था, इस साल फिर से होने जा रहा है। ताज नगरी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का मेला लगने वाला है। यह 11 नवंबर से 13 नवंबर तक चलेगा। फेस्टिवल तहत शहर के लोगों को करीब 15 देशों की फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। समारोह के तहत भारतीय समेत करीब 15 देशों की विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये चौथा एडिशन है जो हम लोग फिर से इस बार आगरा में कर रहे हैं ग्लैमर लाइफ फिल्म्स के बैनर तले और ITHM डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के संयुक्त बैनर के साथ में। हर बार तकरीबन 15 से 20 देशों की फिल्मों का हमें पार्टिसिपेशन मिलता है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन फिल्म है और म्यूजिक वीडियो है। और इस बार भी हमें 12 कंट्रियों से ज़्यादा का पार्टिसिपेशन मिला है। स्क्रीनिंग के बाद तकरीबन हम 30 से 35 फिल्मों को 3 दिन में स्क्रीन कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी लास्ट में अवार्ड नाइट होगी और इस बार जिन कंट्री का पार्टिसिपेशन मिला उन्हें भारत तो है ही, भारत के साथ में अमेरिका, USA है, रशियन फेडरेशन है, डेनमार्क है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है और इजिप्ट है। इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका पार्टिसिपेशन मिला है और मुख्य बात यह है कि इस बार काफ़ी सारे लोग फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनमें इस समय बॉलीवुड के अच्छे अभिनेता काम कर रहे हैं, ब्रजेंद्र काला जी वो शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी एक नेपाली फिल्म जो कि हिंदी पंजाबी में भी आई है, प्रेम गीत भी सुपर डुपर हिट फिल्म है, उसके जो मेन लीड एक्टर हैं वो भी आगरा आ रहे हैं और इसके साथ और तमाम फिल्में हैं जिनका कास्ट एंड क्रू सभी लोग आ रहा है। और खास बात ये भी है कि कुछ लोग इटली से और फ्रांस से चलकर भी हमारे फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए इस वर्ष आ रहे हैं। जो ताज ग्लोबल के नाम से होता है, ये चौथा एडिशन है। इसके अंदर देश विदेश की फिल्में आती हैं। अब स्थिति ये है कि फिल्में तो हमारे पास करीब 100 के करीब आई थी, लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से हमारा प्रोग्राम 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर है। हमने 35-36 फिल्मों का ही, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि जो फिल्में हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं उसकी स्क्रीनिंग करके ही लाते हैं। और वैसे भी ये देश का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए और जनता का, शहर की जनता को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि कई दिनों से टेलीफोन आ रहे थे कि नवंबर में होने वाला कब हो रहा है। तो ये इस प्रोग्राम को एक आगरा की एक बहुत बड़ी एक प्रोग्राम कह सकते हैं, जो कोई भी नहीं करता है, जो हम लोग इसको करते हैं। आप लोगों से उम्मीद की जाती है, आप 11 को भी आइए, 12 को भी आइए, 13 को भी।